बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी व्यूवरों, की हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करने तुम सारे ठीक ठाक हो गए, फिट फाट हो गए, वधिया ते बड़े मज़े च हो गए। तो ऐसे उम्मीद नाल अपनी आज की वीडियो करने शुरू। वीडियो देखने तो पहले वीडियो में लाइक करो, शेयर करो, तो एंड तक जाके चैनल में सबसक्राइब लाजमी करो, नाल बैल आइकन भी दबाओ ताकि जिहड़ी भी अगली मज़ेदार वीडियो बनाई उहदा लिंक तुहाडे कोल सब तो पहला पहुँच सके। तो अज कोई व्लॉग नहीं बनाना, अज भी तुहानू कोई चंद गल्लां दसांगे 14 अगस्त के बारे दसांगे कि 14 अगस्त क्यों मनाई जाती है, इहदा मेन मकसद की है, तो इहदा मतलब की है। ये हुण मैं घर ही वीडियो स्टार्ट की थी है, तो बाहर खेतों जाके हरियाली च बह के फिर सारा दा तुहानू टॉपिक जिहड़ा दसने आ, वो फिर चलिए। मेरे जाण तो पहले जूस पीने, जूस बनाया लो जी गाइज, हूँ तुरदे तुरदे आ गए अपनी खेतों के इत बैठ के तुहानू सारी गल दसने कि 14 अगस्त का मतलब की है। आज तो तकरीबन 76 साल पहला पाकिस्तान ते इंडिया ए दोए कौमां कट्ठियां रहिंदियां सी। उदू ना पाकिस्तान वक्रा ही ते ना इंडिया वक्रा ही, दोए कट्ठे रहिंदे हन। ते उस तो भी तकरीबन पहला, तकरीबन आज तो 150 साल पहला इत्थे अंग्रेज़ां दी हकूमत सी। उदू अंग्रेज़ भी हैं, हिंदू भी हैं, तो मुसलमान भी हैं, तिने कौमां कट्ठियां रहिंदियां हन। तो अंग्रेज़ां दी हकूमत सी, अंग्रेज़ां नाल फिर ये हिंदुस्तान दे हिंदुआं ने रल गए, तो मुसलमान नाल रल गए न, तो अंग्रेज़ां नाल मुकाबला किया, तो उन्हां को फतह हासिल की। तो फिर एक अलहदा ममलकत कायम की जिदे विच हिंदू ते अंग्रेज मुसलमान दोए कौमां कट्ठियां रहिंदियां सी। ते फिर इन्हां दोनों के आपस च तल्लुकात अच्छे नहीं गुजरे। मुसलमान नमाज पढ़ता ही, हिंदू जिहड़ा वो बुतां दी पूजा करता हुंदा सी, वो अपने काम करता ही है, अपने काम करता ही। दोनों नूं एक दूसरे दे काम जिहड़े पसंद नहीं आते। ज़ाहर मुसलमान है उन्हें तो फिर नमाज पढ़नी है, नमाज़ा पढ़नी है, हज करने, उमरे करने, तो हिंदू है जिहड़ा उन्हें बुतां दी पूजा करनी है। तो ये फिर सोचिया कायदे आज़म जिहड़े साढ़े लीडर सन, उन्हें सोचिया कि ये तो काम खराब है, हूँ तो हिंदू तो मुसलमान भी कट्ठे नहीं रह सकते। तो उन्होंने फिर 1947 के 14 अगस्त 1947 के जिहड़ा ने एक अलहदा ममलकत कायम करके दी, पाकिस्तान उहदा नाम रख्या, यानी कि एक अलहदा मुलक कायम किया जिहदा नाम पाकिस्तान रख्या। 14 अगस्त 1947 च यह काम होया ही, ठीक है। तो दिन पता नहीं मैनू शायद दिन किहड़ा सी, ते इस वजह तो यह जिहड़ा हुण 14 अगस्त जदों भी आती है, 8वें महीने की 14 तरीक है, उदू फिर कहिंदे ने कि 14 अगस्त मनाई जाती है। तो एक बड़ा ही खूबसूरत ते बड़ा ही एक साढ़े लिए हसीन दिन है। अगर कायदे आज़म उस दिन है ना करते तो असी अज भी फिर हिंदुआ दे विच ही रहना ही, तो ना नमाज पढ़ सकना है, तो ना ही कोई अच्छे काम कर सकने हैं, क्योंकि जो हिंदू वेखते हैं तो वह फिर कतल कर देंगे हैं। अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ता ही, कोई भी काम करता ही ना अपना, ठीक है, तो वह कतल कर देंगे हैं। तो यह कायदे आज़म का साढ़े तो बड़ा ही करम तो शुक्र है उन्होंने साढ़े ते, कि उन्होंने सानू एक अलहदा ममलकत कायम करके दिती। तो अज लोग जेड़े ने 14 अगस्त को किस तरह मनाते हैं, बाजे मूँह च फड़े दे ते करते के 14 अगस्त मनाते हैं, या शहरों के हुंडे फड़े देने,
जामे फड़े दे मोटरसाइकलां ते व्हील चुके दे ते 14 अगस्त मना रहे ने। नहीं है 14 अगस्त मनाना नहीं, 14 अगस्त बस यही है कि तुसी साफ सुथरे कपड़े पाओ ते कोई नगमा नुगमा लाओ अपना 14 अगस्त वाला ते सुकून नाल घर बैठ के 14 अगस्त मनाओ। तो यही अज की साड़ी वीडियो ही आने तुम्हें वीडियो के दसना ही। उम्मीद करने तुम्हें वीडियो चंगी लगी होगी, वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो लाइक शेयर तो चैनल में सबसक्राइब करो। या समझो एक तकरीर तुम्हें दसी है, ब्लॉग तो नहीं बनाया, तकरीर ही तकरीर की है एक। तो नवें नवें तकरीर कर लगे हैं, ब्लॉगिंग कर लगे हैं, तो कोई गल च रला मिला हो तो कोई ऐडा इशू ना करो, कोई इशू भी नहीं, मसला कोई नहीं, ठीक है। तो फिर मिलने किसी अगली वीडियो जो तक अपना ख्याल रखो कि अल्लाह हाफिज। कल वीडियो आएगी जी फिर वो पूरी टीम साढ़े की वीडियो आएगी, टीम के मैंबर जिन्हें भी ने 3 से 4 ने पूरी टीम की वीडियो आएगी इंशाल्लाह। तो वीडियो का इंतजार करो। ओके अल्लाह हाफिज।